हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सब जिलों की सीमा सीज, फिर भी जयपुर से चलकर बाड़मेर ले आया स्कूल प्रिंसिपल कोरोना वायरस। लेकिन समाज में ऐसे कई दुश्मन छुपे हुए हैं जो कोरोना वायरस को फैलाने में लगे हुए हैं। बीते कई दिनों से सीमा सीज के कारण बाड़मेर कोरोना से बचा हुआ था, लेकिन बाड़मेर के सरहदी इलाके के गांव कितनौरिया में पद स्थापित एक स्कूल प्रिंसिपल जयपुर से निकलकर कई राज्य मार्गों, जिलों से होकर चार रास्तों से अपने चार साथियों के साथ बाड़मेर आ गया। ANM बाली चौधरी ने जब उसकी स्क्रीनिंग की तो लक्षण संदेहास्पद लगे, तो उसे बाड़मेर भेजा गया। उसे कहा कि भाई आप बाहर से आए हो, स्कैनिंग करवा के आए। उन्होंने कहा स्कैनिंग हमारी कोई की नहीं तो हम कहाँ से करें। तो मैंने कहा जब आप तीन जिले पार किए तो कहीं तो सीमा पे स्कैनिंग होती है, तो कैसे नहीं हुई? होनी चाहिए। आप बिना स्कैनिंग आए तो आपने हमें सूचना क्यों नहीं दी? तो सूचना क्या देनी, कुछ सूचना देनी नहीं है, आप कर लो, इसके नहीं करते हो तो नहीं तो कोई जरूरत नहीं। तो मैंने कहा इसके नहीं क्या करें, आपको बाढ़ में जाना पड़ेगा। तो उसने हमारे साथ में मतलब जो नहीं करना चाहिए वो व्यवहार हमारे साथ। बुधवार देर रात रिपोर्ट आई तो बाढ़ में जिला कलेक्टर विश्राम मीना, SP आनंद शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। जो प्रिंसिपल है यहाँ कितनौरिया गाँव में सेकेंडरी स्कूल में, ये 5 तारीख को चल करके और यहाँ देर रात यहाँ पहुँचा। 6 तारीख को इसने बेसिकली ये 3 अन्य लोगों के साथ में आया था, वो तीनों लोगों को हमने आइसोलेट करा दिया है, उनके एक सैंपल भी ले लिया, उसका नेगेटिव भी आया है। इसके अलावा जो अन्य 11 लोगों के जो संपर्क में आया है वो सारे लोग आइसोलेट किए, चिन्हित कर लिए गए हैं। और इसकी पूरी जो कड़ी है वो सारे लोगों को चिन्हित करके हम उनका स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, पूरा गाँव सैनिटाइज कराएंगे। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस संक्रमण की इस कड़ी को हम यहीं विराम देने इसका पूर्ण हम प्रयास करेंगे। पंचायत एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया है, हमने सभी तरफ नाके लगा दिए हैं, यहाँ किसी को भी ना आने दिया जाएगा ना किसी को बाहर जाने दिया जाएगा। मुनादी करवा दी है, लोगों को ये बता दिया है कि जब तक उनकी स्क्रीनिंग नहीं हो जाती तब तक उनको घर के अंदर ही रहना है। अति आवश्यक हर सामग्री भी सरकारी एजेंसी के द्वारा पहुँचाई जाएगी, किसी को दूध, फल, सब्जी, पानी किसी चीज़ के लिए बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा जब तक कि इस पूरे गाँव की स्क्रीनिंग नहीं हो जाएगी। बाढ़ में जिलेवासी को क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि सजग रहें, जैसे यहाँ पर लोग सजग थे, उसके साथ ही शिक्षकों ने ANM को बताया और ANM ने उसे टाइमली भेज दिया, तो वो कम दिन एक ही दिन यहाँ रह पाया। तो आप सजग रहें, आपके आसपास यदि कोई बाहर का व्यक्ति आया है, कोई संदिग्ध व्यक्ति आया है तो तुरंत उसकी सूचना प्रशासन पुलिस को दें, ताकि उसको संक्रमण यदि वो है भी संक्रमित तो फैलाने का अपॉर्चुनिटी ना मिले। 6 जिलों की सीमाओं को तोड़ता हुआ और पुलिस प्रशासन की सारे कर्मचारियों को उजागर करता हुआ वापस अन्य व्यक्तियों के साथ अपने निजी वाहन से बाड़मेर के बुनिया आ गया। संदेहास्पद इस प्रिंसिपल ने ग्राम सेवक व नर्सिंग स्टाफ को ढंग से जवाब तक नहीं दिया और वहां उनसे ही लड़ने लग गया। वह 108 एम्बुलेंस में भी जांच के लिए नहीं बैठा। फिर वहां मौजूद कार्मिकों ने उच्च अधिकारियों से बात करवाई, तब ये एम्बुलेंस में बैठा। अस्पताल में जांच करवाने पर ये पॉजिटिव पाया गया। 11 लोगों की हमने लिस्ट ले ली है और इन 11 लोगों की हम टोटल जो हमारे समाज कल्याण का जो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है उनको वहाँ पर हम भेज रहे हैं और वो अगले 14 दिन तक उनको हमारे मेडिकल टीम और प्रशासन के द्वारा उनको फांस रहेगी और जरूरत पड़ने पर उनकी सैंपलिंग। इसके साथ जयपुर से 3 लोग और आए थे। हाँ, जयपुर में जो इसके 3 अलावा और थे, जिसमें एक जो पवन है उनकी भी सैंपलिंग हो चुकी है जो कि वो नेगेटिव है, और दूसरे 2 लोग हैं जो तो उनका सैंपल हम आज हम ले लेंगे 6 बजे तक, और जोधपुर से आशा करते हैं कि आज ही उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर नेगेटिव है हम भी चाहते हैं नेगेटिव है, अगर कोई पॉजिटिव आता और भी जो भी आगे के लाइनों में एक्शन होगा। बाड़मेर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।